छः इंच पाइप का एल्बो कैसे बनाएं। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि छः इंच पाइप का एक एल्बो हम किस तरह बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन के दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं कि छः इंच पाइप का एल्बो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि छः इंच का जो ओडी होता है वो कितना होता है। तो सिक्स इंच का जो ओडी होता है वो होता है 168 mm, और सी एफ होता है सिक्स इंच का 527 mm। ये 527 कैसे आता है, तो 168 को अगर हम 3.142 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 527 mm आ जाएगा। 3.142 ये पाई का वैल्यू होता है, ठीक है। तो चलिए अब पाइप से जो एल्बो बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो हम जान लेते हैं। उसका फॉर्मूला होता है सी एफ इंटू कट डिग्री डिवाइडेड 360 डिग्री इंटू नंबर ऑफ कट इंटू टू। तो चलिए यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं इसमें। सी एफ तो हमें मालूम है 527 इंटू कट डिग्री, मतलब एल्बो कितना डिग्री में बनाना है, 90 डिग्री 45 डिग्री जो भी आपको बनाना वो यहाँ पे मान रखते हैं, डिवाइडेड 360 डिग्री इंटू नंबर ऑफ कट, मतलब कितना कट में आप बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 कट में बना रहा हूँ, इंटू टू कर दें, ठीक है। तो इसका जब हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। तो 527 को 90 से गुना अगर हम करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 47430 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 3 इंटू 2 अगर हम करेंगे तो 2160 आएगा, ठीक है। तो अब इसका हम पूरा डिवाइड करके देखते हैं कितना आता है, आ गया 21.95 ये आ गया हमारा कट बैक। तो हमने कट बैक निकाल लिया है, ठीक है। 21.95 इसको हम जो है 22 तक ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब एल्बो बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन मौजूद है, या तो हम शॉर्ट रेडियस में बनाएं, या फिर लॉन्ग रेडियस में, या फिर मीडियम रेडियस में। एक हो गया शॉर्ट रेडियस, एक हो गया लॉन्ग रेडियस का, और एक हो गया मीडियम रेडियस का, या स्टैंडर्ड रेडियस भी हम बोल सकते हैं उसको, या स्टैंडर्ड रेडियस। तो तीनों का अलग अलग तरीका है। अगर हम शॉर्ट रेडियस में बनाते हैं तो जो भी हमारा वैल्यू आता है कटबैक, यानी कि 21.95, तो 22 ले सकते हैं, इनटू शॉर्ट रेडियस है इसलिए इनटू 4 करना पड़ेगा। लॉन्ग रेडियस में अगर बनाएंगे तो 22 इंटू 8 करना पड़ेगा, मीडियम रेडियस में अगर बनाएंगे तो 22 इंटू 6 करना पड़ेगा। ये देखिए 22 इंटू 6, तो यहाँ पे फिलहाल मैं स्टैंडर्ड रेडियस में ही बनाने वाला हूँ इसलिए इसको हम 22 इंटू 6 करते हैं। तो कितना आएगा, वन थर्टी टू, 132 mm आया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा सारा कुछ निकल चुका है, यहाँ पे हमने एक कटबैक निकाल लिया 21.95, और दूसरा हमने स्टैंडर्ड रेडियस का ये लॉन्ग पीस निकाल लिया 132 mm। तो यहाँ पे अब हमें साइड पीस भी निकालना पड़ेगा, तो वो हो गया
मिडल पीस और साइड पीस के लिए क्या करेंगे? वन थर्टी टू डिवाइडेड टू कर देंगे, तो इसका आंसर आ गया 66। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, अब हमें मार्किंग करना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे आपको मार्किंग करके दिखा देता हूँ, बाद में मैं आपको पाइप पे मार्किंग करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसका मार्किंग। तो सबसे पहले हमें एक सीधा पाइप लेना है यहाँ पे, ये सपोज पाइप हो गया। इसमें अगर आप समझ जाएंगे तो फिर आपको आसानी होगी पाइप में समझने के लिए। ठीक है, ये मान लीजिए पाइप हो गया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले साइड पीस लेना है आपको 66 mm, तो यहाँ से आपको 66 mm मान लीजिए यहाँ तक 66 mm। ठीक है, उसके बाद 132 mm, ये 132 mm हो गया। तो हमें यहाँ पे कितना, तीन कट में बनाना है। ठीक है, तो तीन कट बनाना है बोलने से इसका चार पीस आएगा, तो एक और पीस यहाँ तक आएगा 132 mm, और लास्ट का 66 mm। ठीक है, दो यहाँ पे हमने मिडिल पीस लिया है और साइड का दो साइड पीस है, मतलब कि टोटल चार पीस आएगा तीन कट बनाने से। अगर चार कट में बनाएंगे तो टोटल पांच पीस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका मैं सेंटर मार लेता हूँ, ये पाइप में आपको पूरा इस तरीके से सेंटर लाइन मार लेना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस पे कटबैक बैठाना है, जैसे 21.95 है मान लीजिए 22, तो यहाँ से आपको इधर 22 ले लेना है और नीचे की तरफ इधर आपको 22 ले लेना है। फिर इसका अपोजिट में इसका इधर मार्किंग है, तो फिर इसका इधर होगा 22 mm। फिर इसका बाहर हो गया तो इसका इधर हो जाएगा, ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से, और फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको मिला देना है। ऐसे इसको ऐसे मिला देना है और इसको ऐसे मिला देना है और इसको कटिंग कर देना है, और जब आप इसको कटिंग कर देंगे तो ये जो है आपको इस तरीके से बन के मिल जाएगा ये।